असलम तो अब्रीवन कैसे आप सब उम्मीद करूंगी कि सब कैरियर चाहूंगे सो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने फूपो एंड कज़न सो आज की ब्लॉग में आज, आज आप देख सकेंगे कि हम कहां कहां घूमने जा रहे हैं गाँव से आए हैं सो हमने सोचा तो थोड़ा बाहर जाते हैं और आज आया जी के घर भी जाना है सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सो ब्लॉग लास्ट तक जरूर दे सो सब जो है वो रेडी हो चुके हैं मामा भी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे फूपो को जा रहे हैं तो हम सब अब निकलने के लिए रेडी हैं सो so, आपको अपनी लुक जो है मैं वहाँ पे ही जाकर पूरी दिखाऊंगी जब कज़न्स वगैरह आपके घर आते हैं तो आपको लिटरली बहुत अच्छा लगता है ऐसे ही मुझे भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम ट्रेडिशनल लोग हैं तो हमें रिश्तों में और उन चीज़ों पे जो है वो बहुत यकीन होता है सो दैट्स वाई हम अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब भी कोई आता है या हम जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं गोसिप्स करते हैं लिटरली वो बहुत अमेजिंग होता है मेरा बचपना तो अभी भी नहीं गया ये टनल्स के दरमियान से गुजरना मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है सो एज़ यू नो कि जब हम बाहर जाते हैं तो ज़ाहिर बात अपने आप को कवर करके और इस तरह से जाना चाहिए और ये हमारा एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट है जो हमें हमारे इस्लाम से हमारी फैमिली से मिलता है सो so, मैं तो इसी तरह बाहर निकलती हूँ हाँ अगर मुझे थोड़ा फैशन करना भी होता है तो या कर लेती हूँ जब मेरा दिल करता है लेकिन ज्यादा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जो है अपने आप को कवर करके ही रखूं। क्या रहने भाई ये तो एक अलग बात काफी और बहुत ठंडा अब देखते हैं ये घर है या नहीं। आवाज दो आवाज़ तो दो। आवाज दो मी वही यही घर था तो अब हम एंटर हो चुके हैं और ऊपर जा रहे हैं उनका ऊपर वाला पोशन है

सो so, हम तो बस पैसे ही मिलने आए हैं और भूपक की वजह से पानी की तो वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मौसम जो है वो आज थोड़ा सा गर्म हुआ है सो so, और, और कोई तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था जब मैंने देखा कि विंडो से लाइट बहुत अच्छी आ रही है तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी सी और वीडियो ली जाए इतना अच्छा लग रहा था क्लो मीन के लाइटिंग से आपके फेस पे वाकई में बहुत ग्लो आता है इवन दो कि आपको पता है मेरी स्किन कितनी ख़राब है सिर्फ मेकअप की वजह से ये इतनी अच्छी लग रही है अदरवाइज है नहीं आई नो ये सब चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप लोग जो हैं वो डिप्रेशन में ना जाएंगे ना सोचें कि भाई ये इतने अच्छे लग रहे हैं वो इस तरह से मैं खुद एक ड्रेस स्किन पर्सन हूँ बैठ बैठ कर और बोल बोल कर तो लिटरली मैं काफ़ी थक गई थी फिर यहाँ पे हम मूवी देखने लगे और उसको देखते हुए भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और सब बहुत इंटरेस्ट से देख रहे थे किसी को कोई खबर नहीं है कुछ फंक्शन इसीलिए पसंद हैं या कहीं जाना इसलिए पसंद है क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो इकट्ठी होती हैं आप लोग दूसरे से बातें करते हैं आपकी डिस्कशन रिलटेडली वो मोमेंट बहुत स्पेशल होते हैं सो so बहुत ज़्यादा टाइम पसाने के बाद इवन दो कि रात हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर हमने सोचा था, था कि हम मज़ार पर भी जाएँगे ज़्यादातर बार मज़ार पर बट आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो शायद डायरेक्टली अब घर ही जाएँगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सर में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है पता नहीं क्यों मैं जब मेकअप करती हूँ या कुछ भी तो बहुत ज़्यादा टाइट पिन करने लग जाती हूँ विदाउट एनी रीज़न छोटा सा गैस्चर एक छोटी सी चीज़ जो आपको बताना चाह रही हूँ कि ये मास्क मेरा नहीं है बल्कि मेरी कज़न का है बड़ा क्यूट सा मास्क है और उसने बिल्कुल न्यू नीलियार वो मुझे दे दिया दैट सो स्वीट ऑफ यू सो अल्लाह हाफिज़ जजाकला दुआ में याद रखिएगा तो कैसे लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने